वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, नया बंदे हो तो भाई, अगर सऊदी अरब आना चाहते हो तो। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। इस वीडियो में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भाई अगर आप लोग सऊदी अरब अगर आ रहे हो या सोच रहे हो आने के लिए, तो ये वीडियो आप सबके लिए है और जरूर देखिएगा। कि जो इंडिया में हैं, जो इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे हमारे जो भाई हैं इंडिया में टॉप मेरी वीडियो देखते हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ऐसे भाई का सपोर्ट करते रहिए। लेकिन अगर आप लोग जो आ रहे हो सऊदी भाई ना, ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक आज बताया कि आज एक ऐसी जगह गया था, ठीक है, कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो गाइस जैसे कि मैं पहले बात बता दूं भाई, अगर सऊदी अरब में आते हो तो कहीं भी ये सब जो है ले जाके गाड़ी रुकवा सकती हैं कहीं भी। और किस जगह है ये नहीं डिपेंड करता, कहाँ पे हो ये भी नहीं मालूम। ये लोग सऊदी मैडम ऐसा होती हैं भाई, या कपिल ऐसे होते हैं कि कहीं भी, या लड़कियां कहीं भी ऐसा होती हैं कि ले जाके आपको बाहर छोड़ देंगी कि गाड़ी पार्किंग लगाओ, ठीक है। आप वहां पे लगा के इंतजार करते हो, इंतजार करते हो, तो भाई अगर पार्किंग मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी इंतजार करना पड़ता है, पार्किंग में घुमाते रहो और इंतजार करते रहो। तो गाइस जैसे मैं पहले आज बात बता दूं कि भाई हाउस ड्राइवर की ड्यूटी इतनी आसान नहीं है काम करना। और भाई अगर मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं, कि ऐसे बहुत भाई हमारे पास कमेंट करते हैं कि इंडिया से और बांग्लादेश से भी भाई हमारे पास दो तीन कमेंट किए थे कि भाई मैं सऊदी अरब आना चाहता हूं, तो भाई मैं केवल इंडिया के लिए बता सकता हूं कि भाई अगर कोई भी सेवा उपलब्ध है तो केवल इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए हम नहीं कर और नहीं कोई सेवा करवा सकते। तो भाई ये भी बात बताऊंगा कि अगर भाई अगर आना चाहते हो भाई सऊदी अरब ना, तो भाई पहले नंबर अपना ड्राइविंग कंप्लीट कर लीजिएगा अगर हाउस ड्राइवर फैमिली में आना चाहते हो तो, और इंडिया का लाइसेंस थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। इंडिया में ना अगर गाड़ी चला रहे हो तो ठीक है, नहीं चला रहे हो तो आप कुछ दिन तक, एक दो महीने, तीन महीने या चार महीने थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी हाथ साफ कर लीजिएगा भाई। यहाँ पे ना इंडिया में ट्रैक्टर ट्रैक्टर से खेत की जुताई किए रहेंगे और आ जाते हैं भाई सऊदी अरब, यहाँ अगर तत्काल में अगर ड्राइविंग पकड़ा दिया जाता है तो भाई नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से भाई मैं हर एक वीडियो में यही बताता रहता हूँ, भाई अगर फैमिली ड्राइवर में अगर आना है तो भाई ड्राइविंग कंप्लीट करके आइए, ड्राइविंग कंप्लीट करके आइए, ठीक है गाइस। और भाई मैं ये प्रॉब्लम बताया कि कितनी बड़ी मुश्किल हुई थी आज, दरअसल मैं आप लोगों को वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा, ऐसा झूठ वाला काम नहीं है, वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भाई नए ड्राइवर के लिए। अगर जो पुराने हैं वो तो आगे पीछे पार्किंग लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर नहीं लगा पाए भाई यहाँ पे अगर गाड़ी टेढ़ी हुई ना तो भी फाइन है। तो गाइस ये है सऊदी अरब की पार्किंग, ये मॉल है, सऊदी अरब में बहुत ही बड़ा मॉल है गाइस, छोटा मॉल नहीं है। तो यहाँ पे एकदम फिक्स पार्किंग बनाई हुई, नीचे आप लोग पट्टी देख रहे हैं, यहाँ पे जो बड़ी गाड़ी है वो एकदम फिक्स आ रही है, कोई कोई जो है पीछे आ रही है, कोई कोई आगे। तो अभी जो पुलिस वाला है यहाँ पे घूम के सबको फाइन मार रहा है, और हम भी विदाउट पार्किंग लगा के खड़े हैं भाई। और ये साइड में आप लोग देख सकते हैं कि बाइक पार्किंग लगी हुई है। तो भाई अगर सऊदी अरब आ रहे हो तो बाइक पार्किंग का प्रेस्टीज जरूर कर लीजिएगा, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं अपने अंदाजा से या अपने तजुर्बे से कि कितना ज़्यादा यहाँ सख्त शासन है। अगर जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ तो भाई एनी टाइम जाम रहता है, तो वहाँ पे फाइन तो मारना ही मारना है, कितना भी आप सीधी गाड़ी लगा लो, अगर सीधी है तो ठीक है, पीछे भी जगह ज़्यादा है तो भी फाइन मारेगा, और आगे अगर छोड़ के लगाए हो तो भी, क्योंकि आगे अगर जगह ज़्यादा छुट्टी है तो जाहिर सी बात है पीछे गाड़ी ज़्यादा निकली जाएगी, अगर पीछे गाड़ी ज़्यादा निकली है तो फाइन मार के जाएगा, वो आपके टायर में लगा देगा स्टेपनी जैसे, ठीक है, जग जैसे, कि आप गाड़ी लेके ना जा पाओ, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, नया बंदे हो तो भाई अगर सऊदी अरब आना चाहते हो तो। गाइस आज मैं एक मॉल में गया था, वहां पे देखा भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक कि भाई अगर वहां पे बैग पार्किंग जो है, कोई कोई बंदे बैग लगा रहे थे, क्योंकि कहीं कहीं पार्किंग होती है थोड़ी बड़ी होती है, कहीं कहीं पार्किंग जो है इतनी मतलब छोटी होती है, केवल गाड़ी फिक्स करने की जगह होती है बस, और उतरने के भी नहीं, तो जगह रहती भी नहीं है थोड़ा बहुत कहीं कहीं, और कहीं कहीं थोड़ा बड़ी अभी तो, जहां पे हम गाड़ी पार्किंग लगाए हैं या तो बड़ी पार्किंग है, और उस जगह ना इतनी ज्यादा छोटी पार्किंग, और मैं भी करीब एक घंटे तक खड़ा रहा विदाउट पार्किंग, और वहां पे इतना ज्यादा ट्रैफिक की पूछो मत।
वीडियो अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीख जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं फेक वीडियो बनाता नहीं, जो रियल है वही बनाता हूँ भाई, ठीक है। और भाई इस वीडियो को देखना कि सऊदी अरब में भाई पार्किंग जो है कैसे लगाई जाती है, बैक फ्रंट तो सब लगा देते हैं लेकिन बैक पार्किंग जो है कैसे लगाई जाती है यहाँ पर। भाई अगर लाइसेंस बनवाने जाओगे ना तो वहाँ भी आगे पार्किंग लगवाएंगे लेकिन घुमा के बैक पार्किंग लगवा देंगे, अगर बैक पार्किंग नहीं लगवाए तो लाइसेंस में फेल कर देंगे, वहाँ पे तुरंत आपको रिटर्न कर देंगे, 10-15 दिन के लिए क्लास भी दे देंगे कि आप क्लास ज्वाइन करो गाड़ी का, ठीक है। डेली जाओगे आओगे आओगे जाओगे आओगे जाओगे, पैसा आपका खसारा होगा, कपिल देगा तो ठीक है, नहीं तो आपका ही पैसा खसारा होगा। इसके वजह से भाई आप जो है ना फ्रंट पार्किंग तो एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा और बैक तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा जो है अपने अंदाजन से जो है यानी अपने तजुर्बा से जो है बैक पार्किंग के थोड़े प्रेस्टिक कीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि बैक पार्किंग मिल जाती है, फ्रंट पार्किंग नहीं मिलती है, तो आपको बैक पार्किंग लगाना पड़ेगा भाई। अगर बैक नहीं ला पाओगे तो दूसरा कोई आके लगा के चला जाएगा और तुम घूमते रह जाओगे तो कोई सुरता वाला या आएगा तो आपको फाइन मार के जाएगा 100-150 रियाल का पता नहीं होगा भाई, अपने पॉकेट से जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर सऊदी अरब आ जाओ थोड़ा बहुत जो है बैक पार्किंग का प्रेस्टिक कर लीजिएगा, मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है। और इस वीडियो को जरूर देखिएगा भाई, कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है और हम भी करीब 45 से 50 मिनट हम भी खड़े रहे तो भी पार्किंग नहीं मिली, जो भी निकल रही थी मेरी तो गाड़ी छोटी है तुरंत लग जाएगी, वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी जो है आती है तो उन सबके लिए पार्किंग बहुत मुश्किल है भाई। कहीं कहीं ऐसा है तो मेरी तो गाड़ी छोटी है, आप लोगों को अगर बहुत से ऐसे सारे ड्राइवर हैं कि बड़ी GMC है, इनोवा है और फोर्ड की है, वो इतनी बड़ी गाड़ी है ना कि पार्किंग में आएगी नहीं, पीछे निकली रहेगी आगे भी निकली रहेगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग थोड़ा बैक पार्किंग का प्रेस्टिक जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।